1925 को इन्होंने काकोरी में रेड डाली थी, तो उसके बाद में लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 26 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 सितंबर के बाद में लगभग 1.5 साल इनका मुकदमा चला और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में इनको फांसी हो गई थी। इस दरमियान जेल में इनके ऊपर खूब सारे अत्याचार किए गए, क्योंकि अंग्रेज इनसे आजाद का पता पूछना चाह रहे थे। तो इन्होंने कहा था, क्या यह लज्जत है, क्या यह लज्जत है, रग रग से आती है सदा, क्या यह लज्जत है, रग रग से आती है सदा, दम ना ले तलवार जब तक जान बिस्मिल में है, दम ना ले तलवार जब तक जान बिस्मिल में है। आजाद तुम लोगों के हाथ ने आया था, न आएगा, आजाद आजाद था और आजाद आजाद ही रहेगा। उसके बाद अंग्रेजों ने इनको खूब टॉर्चर किया। ये जब जेल में व्यायाम और योग किया करते थे, तब अंग्रेज इनसे पूछा करते थे कि तेरे को तो फांसी होने वाली है, तू मरने वाला है, फिर ये सब कुछ क्यों? तब बिस्मिल कहा करते कि मैं हिंदू हूं और मैं पुनर्जन्म पर पूरा विश्वास करता हूं, मैं फिर से जन्म लूंगा और ज्यादा ताकत के साथ में और ज्यादा बुद्धिमानी के साथ में, और मैं तुम लोगों को अपने देश से भगाने के लिए फिर से कार्य करूंगा। हे ईश्वर, भारतवर्ष में सत्वार मेरा जन्म हो, हे ईश्वर, भारतवर्ष में सत्वार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का, देशीय कारक कर्म हो। हे ईश्वर, भारतवर्ष में सत्वार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का, देशीय कारक कर्म हो। मरते हैं बिस्मिल रोशन सिंह लाहिड़ी, मरते हैं बिस्मिल रोशन सिंह लाहिड़ी, अस्पाक अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों, उनकी रुधिर की धार से होंगे पैदा सैकड़ों, उनकी रुधिर की धार से। इस कदर वो अंग्रेजों को जवाब दिया करते थे। वो शेर अंत समय तक जिनकी आंखों में भय नहीं था। जब इनकी माता इनसे मिलने पहुंची, तब मां को देख के भावुक हो गए। तो मां ने कहा कि यदि तुम्हें भावुक ही होना था तो क्रांति का रास्ता क्यों चुना? तो बिस्मिल बोले कि मैं मौत के भय से भावुक नहीं हुआ, मैं अपनी माँ को देख के भावुक हो गया। तो माँ ने कहा कि मुझे राम जैसा बेटा चाहिए था और मुझे राम जैसा बेटा मिला, जन्मों जन्म तक मुझे तेरे जैसा बेटा मिले, मैं सौभाग्य हूं कि तूने मेरी कोख से जन्म लिया। पर साथियों, दुर्भाग्य देखो कि जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी, उसके बाद में इनके परिवार की स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि इनके परिवार वालों को भीख तक मांगनी पड़ी थी। और सबसे जो मुख्य बात यह है, जब इनके बाद में जो भी लोग इनको इनके ऊपर कृपा करके कुछ दिया करते, वो ये सोच के नहीं दिया करते कि ये एक क्रांतिकारी की माँ है, बल्कि ये सोच के दिया करते कि वो एक ब्राह्मणी है। जबकि इनके पूरे परिवार ने क्रांति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। इनकी बहनों तक ने हथियारों की सप्लाई के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि हथियार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पुरुषों की तो चेकिंग होती थी, महिलाओं की चेकिंग नहीं होती थी। तो पंडित जी अपनी बहनों के माध्यम से हथियार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उनके जीवन में उनके साथ ये हुआ। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में लिखा था, मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। मिट गई जब सब उम्मीदें, मिट गई जब सब उम्मीदें, मिट गए जब सब ख्याल, उस घड़ी घर नामावर लेकर पयाम आया तो क्या, उस घड़ी घर नामावर लेकर पयाम आया तो क्या। ए दिले नादा मिट जा तू भी कुए यार में, ए दिले नादा मिट जा तू भी कुए यार में, फिर मेरी नाकामियों के बाद काम आया तो क्या, फिर मेरी नाकामियों के बाद काम आया तो क्या। काश अपनी जिंदगी में हम वो मंजर देखते, काश अपनी जिंदगी में हम वो मंजर देखते, यूं सरे तुर्बत कोई मैसर खिराम आया तो क्या, यूं सरे तुर्बत कोई मैसर खिराम आया तो क्या। आखिरी शब्द दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प, आखिरी शब्द दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प, सुबह दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्या, सुबह दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्या।
ये पंक्तियां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर जेल में अपने आखिरी समय में लिखी थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वो महान क्रांतिकारी जिन्होंने फांसी के फंदे को अपने हाथों से अपने गले में डाला था, वो क्रांति की आवाज, वो क्रांति की मिसाल जिन्हें अजय भारतीय बारंबार प्रणाम करता है, इन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था, अपना सर्वस्व। लेकिन क्या हम इन लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं?